हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप जो है अपने मोटोरोला G22 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अलार्म साउंड सेटिंग को आप जो है डिसेबल कैसे कर सकते हैं और ये अलार्म साउंड सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद किस तरीके से काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जो अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन कर लेंगे तो आपको नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर आपको साउंड का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है आपको साउंड के इस पेज में नीचे की साइड आना है और यहाँ पर जो है आपको ये डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड का ऑप्शन मिलेगा। डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड पे आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड का ये जो है पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको करना क्या है कि इस पेज को नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है इस तरीके से। तो आपको सबसे ऊपर ये नोन का ऑप्शन मिल जाएगा, नोन के सामने वाले सर्कल पर आपको टिक मार्क लगा लेना है इस तरीके से और आपको इसे बाद में ओके ज़रूर कर देना है। ओके के बटन पर प्रेस कीजिए और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड सेटिंग के नीचे जो है यहाँ पर नोन लिखा हुआ है, यानी कि जो आपकी अलार्म साउंड सेटिंग है वो आपकी डिसेबल हो चुकी है। अब ये डिसेबल होने के बाद जो है काम कैसे करती है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो भी अलार्म आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे सेट कर रखा होगा, ठीक है, तो वो आपका जो अलार्म है वो आपका इनमें से कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करेगा, वो आपका जो है नॉर्मल सा एक साउंड क्रिएट करेगा। ऐसा नहीं है कि डिसेबल करने के बाद जो है वो कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, वो अपनी जो है फ़ोन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग जो सेट हो रखी होती है, ठीक है, साउंड उसी साउंड में जो है आपका मोबाइल फ़ोन साउंड क्रिएट करेगा। लेकिन जो ये सेटिंग के अंदर जो काफ़ी सारी अलार्म साउंड होती है ये वाली, इनमें से कोई सा भी इस वाले में से कोई सा भी साउंड क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करेगी, ठीक है। अब मैं आपको जो है सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी आपके फ़ोन में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सेटिंग पेज ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सबसे ऊपर टाइप करना है डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है वो पूरा पूरा आपको यहाँ पर जो है टाइप कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। इससे होगा क्या कि आपका मोबाइल फ़ोन आपको डायरेक्ट इस सेटिंग में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को जो है इस तरीके से हाईलाइट करता है, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है आपके मोबाइल फ़ोन में इस सेटिंग को ढूंढने का।